कैसे हैं अंकल जी आप, कैसे हैं? अरे कैसे, दुकानदारी करते होगा। सुन सकते हैं अंकल जी। बनारस की गलियों में घूमते हुए आज हमें मिले बहुत ही एक गुस्से वाले अंकल जी। गुस्से वाले अंकल जी मैंने क्यों कहा, आपको स्टार्टिंग का वीडियो देख कर समझ में आ ही गया होगा, मगर साथ ही साथ अंकल जी बहुत ही मज़ेदार भी थे। देख लीजिए आप खुद ही, आपको समझ में आ जाएगा। खीरा, धनिया, मिर्चा, अभी लहसुन सब मिला, आइए ला फोटो खींच लाए कभी। अंकल जी के शब्दों पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने क्यों इनको मज़ेदार अंकल जी कहा है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको मिलवाते हैं इन मज़ेदार अंकल जी से। हाँ जी फ्रेंड, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सनी। बनारस की गलियों में घूमते घूमते हम आज आ चुके हैं बनारस के पिपलानी कटरा इलाके में। यहाँ पर एक हमको अंकल जी मिले जो यहाँ पर एक स्पेशल चाट बेच रहे हैं, जिसका अभी तो हमको नाम नहीं मालूम। अभी हम अंकल जी से पूछकर उनका डिटेल आपको बताएंगे कि क्या क्या अंकल जी यहाँ पर अपने शॉप पर बेचते हैं। अंकल जी से बातें कर लेते हैं थोड़ी। कैसे हैं अंकल जी आप, कैसे हैं? अरे कैसे, दुकानदारी करते होगा। सुन सकते हैं अंकल जी अपना दुकान लेकर अपना काम कर रहे हैं। तो अंकल जी क्या क्या बेचते हैं यहाँ पर? कचालू, सोहाल। तो कितने का बेचते हैं अंकल? 20 रुपया पत्ता। तो अंकल जी हम लोग के लिए एक पत्ते बना दीजिए। लीजिए। अंकल जी आलू कैसे बनाते हैं आप इसका? बस यही नमक वमक डाल के, नमक, जीरा, धनिया, मिर्चा, अभी लहसुन सब मिला, आइए ला फोटो खींच लाए कभी। तो दे सकते हैं यहाँ से, हमारे अंकल जी ने बना के रेडी कर लिया है, तो चलिए फिर टेस्ट करके आपको रिव्यू देते हैं। ऐसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा पापड़ी जो चाट है, आलू चाट, वो हाथों में आ चुका है। अब जा रहा है अमन इसको टेस्ट करेगा। अमन कुछ बताओ इसके बारे में। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसे टेस्ट करने। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस पापड़ी का शायद थोड़ा सा, पापड़ी का असली नाम है थोड़ा सा, ये फायर पापड़ी है। खाने के बाद आप खतरनाक ही था। अंकल जी बेच जो रहे थे वो भी तो थोड़े खतरनाक ही है, खतरनाक थे। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना सही लग रहा है, तो देखता हूँ खा के कैसा है इसका टेस्ट। सो लेट मी टेस्ट। बढ़िया, काफ़ी चटपटा है, जैसा कि आप सुन सकते हैं। इसमें हल्का सा नींबू की चटनी, शायद किसी चटनी में अंकल ने नींबू का भी यूज़ किया है, जिसकी वजह से इसमें हल्का हल्का खट्टापन लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, अंकल जी हमें और नींबू दे रहे हैं। मसाला यार, अंकल जी गजब चटपटे हैं यार। ठीक है, ये देखिए अंकल जी को, ये देखिए क्या चटपटे इंसान है यार, ये देखिए मजेदार इंसान है। और सबसे बड़ी बात है, आई थिंक मुझे किसी भी चीज़ में लहसुन प्याज नहीं दिख रहा यार यहाँ पे। सो यार इसमें और नींबू तो डाल दिया अंकल जी, अब देखते हैं इसका नींबू के बाद टेस्ट कैसा लगता है। तो अमन आखिर कैसा है, चटपटा, मज़ेदार? यार अब तो बहुत ज़्यादा मस्त है, मज़ा आ गया। क्या टेस्ट लग रहा है, बहुत चटपटा। अभिषेक ने पहले ही टेस्ट कर लिया है तो अभिषेक अब टेस्ट कर चुके हैं, अभिषेक खुद बताएंगे कि कैसा था उसका टेस्ट। अभिषेक कैसा टेस्ट था? इसका टेस्ट तो बहुत लाजवाब है। मैं आज से नहीं, मैं करीब 2008 से ही उनके पास आ रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इनका शॉप जब वहाँ था तो काफ़ी भीड़ रहती थी, आज अभी इस समय कुछ साइड की वजह से, और आप देख सकते हैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा बहुत साइड में लगे हुए हैं। तो ऐसा कि अंकल जी भी बताएं कि इसको खाने के बाद पेट सही तो रहेगा, उसके बाद जुबान भी आपका बहुत ही चटपटा रहेगा। अभी सुन सकते हैं आप, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा ही होगा, जो इंसान इस चाट को बेच रहा है जब वो इतने चटपटे हैं, तो आप बस आइडिया लगा ही सकते हैं कि ये जो इनके चाट, ये जो है इनका स्पेशली इसका नाम क्या है वो तो मुझे भी अच्छे से याद नहीं हुआ, हम तो इसे चाट ही कहेंगे। तो जो इनका चाट है कितना ज़्यादा चटपटा होगा आप खुद सोच सकते हैं। कचालू चाट। हाँ, कचालू पापड़ी चाट। तो गाइस बहुत ही मस्त है,
कभी इधर के एरिया में हूँ तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इनके एरिया का फुल डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे डिटेल्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर से दबा ही दीजिएगा। और हमारे अंकल जी अगर आपको पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कर ही दो यार।